नमस्कार दोस्तों, मार्केट टाइम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में के जो लहसुन मंडी है उसमें मौजूद हैं। बात करें तो दो दिनों के अवकाश के बाद आज नीमच कृषि उपज मंडी खुली है और मंडी में बम्पर आवक देखी जा रही है। अनुमान है कि 15 से 16 हज़ार बोरी की आज आवक हुई है और इस दौरान जो भाव दामों की बात करें तो कमोबेश दाम वही हैं जो पिछले कई दिनों से स्थिर बने हुए हैं। आज जो अधिकतम अभी तक की है अभी नीलामी बाकी है। कुछ बॉक्स वालों की भी समस्या आ रही है कि उनके जो बाहर बॉक्स रखे हैं उनकी खरीदी नहीं हो रही है, तो संभवतः वो मंडी प्रशासन से संपर्क करेंगे। वहीं दूसरी ओर दामों की बात करें तो अभी तक के जो दाम सामने आए हैं, ऊटी जो बेस्ट गया है 29 तक गया है और 29,000। वहीं नीचे की बात करें तो कमोबेश 8-9 हज़ार जा रहा है। वहीं देसी की बात करें तो आज बॉक्स क्वालिटी का एक जो देसी का गया है वो 21,000 गया है। वहीं नीचे 5-6 तक भी है, अलग अलग दाम है, लेकिन कमोबेश जो दाम मिल रहे हैं काफ़ी ठीक मिल रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं। कुछ किसान हैं जिनसे बात करेंगे। दादा कहाँ से आए? चोखड़ी से आया भाई साहब। लहसुन बिक गए आपकी? चोखड़ी कहाँ आता है? रटलई के पास। रटलई कहाँ था? हमको रटली पता नहीं है। रटलई बकानी, हाँ, झालावाड़ जिले से। क्या भाव गई लहसुन आपकी? 14,400। कहाँ पर है ढेर आपका? यो है साहब, बताओ ना कैसी गई, सैंपल बताओ इसका। हाथ में ले लो यार, अच्छे दोनों हाथ में धोवा भर लो, धोवा ये इधर दिखाओ हमारे कैमरे पे। 14,000 गई है? हाँ, 14,400 गया भाई साहब। तो क्या लग रहा है आपको, भाव जो चाहिए थे वैसे मिल गए? बहुत बढ़िया मिल गया साहब, बहुत बढ़िया मिले, बहुत बढ़िया मिल गया। बस कुल मिला के ये दाम ये देख सकते हैं क्वालिटी की, और किसान भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ और भाई लोग हैं, कहाँ से आया दादा? कहाँ से आए? चोखड़ी से एक ही जाग सा है। अच्छा, ये साथ में ही है। आपकी लहसुन कितनी थी, कितनी लहसुन लेके आया था? मेरा अलग जगह है। अच्छा, अलग जगह है। आपका ढेर अभी बिका नहीं है? नहीं बिका। तो कहाँ से आप? चोखड़ी गांव से। बिक गई आपकी नीलामी होगी? आप मैं तो नंग ला रहे थे गाड़ी वाला था। तो क्या क्या लग रहा है, लहसुन के दाम कैसे क्या मिल रहे हैं अभी? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ अभी कर सब कुछ है। कुल मिला के जो दाम मिल रहे हैं उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी आपने निकाल दी लहसुन की, सब बाकी है कुछ? अभी तो थोड़ी थोड़ी बेची, थोड़ी थोड़ी बेची है। तो अभी रोक रखा है? अभी तो आधी ज्यादा लहसुन है, रोकेंगे अभी तो। चुनाव बाद क्या वो, चुनाव बाद क्या होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम हो सकता है। इधर 400 पार ना उधर 500 पार हो जाए। क्या भाव गई? 12-300। कहाँ पे ढेर आपका? अपना फर्स्ट नंबर पता। अच्छा, छर्री किसकी है? छर्री वाले भाई वाला नहीं है गया। दादा आप कहाँ से? चित्तौड़। चित्तौड़ बिक गई कि नहीं बिकी? नहीं, वो बाहर है बॉक्स, वो ले नहीं रहे, बोली लगे अभी तक। ये भैया मिल गए, जिस जो बात हम कर रहे थे बॉक्स वालों की, जो खरीदी नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है और क्या कहा गया आपसे? क्या बता, वो बोल रहे अभी छपरे में डालना पड़ेगा। वहाँ आप तो कल वाल तो नीलामी हुई थी, अभी छपरे में लेके हुई थी, आज नहीं हुई हो रही। अच्छा, तो अच्छा क्या लेके आए? देसू की ऊटी। ऊटी ऊटी क्या उम्मीद लग रही, क्या भाव जाएगी? जाता रहा है 20-25। तो अभी आज 29 तक गया है। अच्छा, तो उम्मीद लग रही है कि अच्छा दाम मिल रहा है? अभी तो मिल रहा है। आप कहाँ से थे, मतलब चित्तौड़ जिले के कौन से काम? सिंधी का खेड़ा। अच्छा, कहाँ, कितने दूर है? करीब की है चित्तौड़ से 6-7 किलोमीटर दूर है। कुल मिला के जो किसान भाई है उनकी अपनी अपनी समस्याएं भी यहाँ सामने आ रही है। बीते दिनों देखा था कि कुछ दूसरी समस्याएं थी, आज एक नई समस्या दिखी है कि जो बॉक्स में रखी हुई है वो खरीदी नहीं हो रही है। अब उनको बोला गया है कि वो छपरे में आके रखेंगे, उसके बाद नीलामी होगी। तो जैसा कि दिख रहा है कि दो दिनों के बाद खुली नीमच कृषि उपज मंडी में लहसुन की बम्पर आवक देखी जा रही है और नीलामी का दौर जारी है, और जिस तरह के दाम जो किसानों को मिल रहे हैं किसान काफ़ी संतुष्ट और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर से उनके चेहरे ही ये कहने के लिए काफ़ी है कि उनको दाम काफ़ी अच्छा मिला है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह दाम यही जिस तरह से स्थिर बने रहेंगे या ऊंचाइयों को छुएंगे या फिर नरमी आएगी। विजित महाडिक, मार्केट टाइम्स, नीमच।